शाहरुख खान की पहले पठान, फिर जवान और फिर आने वाली है डंकी। अब तक की मच अवेटेड कोलेबोरेशन ऑफ शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी सर की मूवी आने वाली है डंकी, जिसका कि कुछ दिन पहले ही टीजर रिलीज करा गया जो कि डंकी ड्रॉप बन के नाम से रिलीज करा गया है। मुझे तो पता नहीं चल रहा है गाइस कि आजकल जो जितने भी सारे टीजर या फिर ट्रेलर को रिलीज करा जा रहा है उसका जो नाम है वो अलग अलग करके रखा जा रहा है, जैसे ग्लिम्स हो गया, जैसे ड्रॉप बन हो गया, जैसे मतलब अलग अलग करके रखा जा रहा है। ये नहीं, कोई भी सिंपली ये नहीं बोल रहा है कि भाई मतलब डंकी का टीजर है, डंकी टीजर या फिर किसी और चीज का टीजर, नहीं, जो नाम है वो चेंज करके दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसका ड्रॉप 2 भी आने वाला है, मतलब सेकंड टीजर भी आने वाला है। तो देखो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस मूवी के बारे में इसका टीजर मुझे देख के कैसा लगा, पर्सनली मुझे कैसा लगा और लोगों को कैसा लग रहा है, मूवी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सभी डिटेल्स आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि देखो ड्रॉप बन का जो मतलब टीजर रिलीज किया गया डंकी का वो उसको रिलीज किया काफी दिन हो चुके हैं। आई नो कि मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ बट स्टिल बना रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। तो देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि भाई देखो राजकुमार हिरानी का जो लास्ट फिल्म आया था वो आया था 2018 में संजू के नाम से, जो कि संजय दत्त के बायोग्राफी पे था, ठीक है। तो उन्होंने 2018 के बाद एटलीस्ट 2023 में उनकी न्यू मूवी आ रही है जो कि डंकी पूरे 5 साल बाद मूवी रिलीज होने वाली है। एंड इनकी सबसे बड़ी बात कि इनके करियर में अभी तक एक भी इन्होंने फ्लॉप मूवी नहीं दिए हैं, तो भाई ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। इन्होंने पीके, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई जैसे मास्टरपीस मूवी को डायरेक्ट करा है, जो कि सबसे बड़ी बात हो जाती है एक डायरेक्टर के लिए। एंड भाई जितने भी सारी इन्होंने मूवीज बनाए इसमें से एक भी इन्होंने फ्लॉप नहीं दिया, सभी मास्टरपीस था या फिर कोई ना ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर हिट रही है मूवी। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि ऐसे में बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का कोलेबोरेशन होने वाला है, मतलब बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और इंडिया का बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर, इन दोनों का मूवी आने वाला है, दोनों एक साथ कोलैब कर रहे हैं। टाइटल और अनाउंसमेंट 1 साल पहले ही कर दिया गया था इस मूवी का, बट फाइनली अब इस मूवी की टीजर रिलीज कर दी गई है। इसके डेट के बारे में बताऊंगा कि कब रिलीज करा जाएगा, डिटेल पूरे मिलने वाली आप लोगों को इस वीडियो में, तो भाई वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर से देखना। तो आपका वक्त जाया ना करते हुए बात करते हैं इस मूवी के टीजर के बारे में। तो देखो डंकी का जब टीजर नहीं आया था तो उस टाइम पे तो बताया जा रहा था कि इसका टीजर जब रिलीज होगा तो वो करीब मतलब 58 या फिर 59 सेकेंड के आसपास का रहने वाला होगा, ठीक है। बट गाइज इसका नेम भी चेंज हुआ, मतलब डंकी ड्रॉप बन के नाम से इसका टीजर रिलीज करा गया एंड इसका ड्रॉप 2 भी आने वाला है, मतलब सेकेंड टीजर भी आने वाला है या फिर इसको हम लोग ट्रेलर भी कह सकते हैं, और पता नहीं ड्रॉप 3, ड्रॉप 4 या फिर कितने भी सारे आ सकते हैं, ये मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता ये बात, ठीक है। तो डंकी का जो टीजर आया ड्रॉप बन के नाम से वो था करीब 1 मिनट 48 सेकंड का, ठीक है। लिटरली जब मैंने टीजर को देखा और आप लोगों ने भी देखा ही होगा टीजर को, तो टीजर के देखने के बाद मुझे तो लग रहा है कि भाई सच में मूवी जो वो मास्टरपीस होने वाली है, मतलब जैसे थ्री इडियट्स रहे, मुन्ना भाई, MBBS रहे, PK रहे, उसी तरह का ये मूवी भी होने वाला है एकदम मास्टरपीस लेवल की। और भाई जहाँ तक कि मुझे लगता है शाहरुख खान रेडी हो चुके हैं बैक टू बैक 3000 करोड़ की अर्निंग करने के लिए, तो भाई सच में बॉक्स ऑफिस तबाह हो जाने वाला है, मतलब एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। अब देखो बात कर लेते हैं डंकी ड्रॉप बन के टीजर के बारे में, मतलब डंकी का जो टीजर रिलीज करा गया ड्रॉप बन के नाम से उसके बारे में बात करते हैं कि मुझे कैसा लगा। तो जब मैंने मतलब 1 मिनट 48 सेकंड का वो टीजर था, ठीक है, और जब मैंने टीजर देखा तो भाई मैं तो ये सीरियसली आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये जो मूवी है वो कॉमेडी ड्रामा और इमोशन से भरा पड़ा है, ठीक है, और आप लोग इस मूवी को फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि इनके करियर में अभी तक इन्होंने एक भी ऐसी मूवी नहीं बनाई है जो कि आप लोग इसके फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। आप लोग पास्ट उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, सभी मूवीज आप लोग इनके फैमिली के साथ देख सकते हो इजिली से, ये मैं कह सकता हूँ, और आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है पहले से। तो अब मैं बात करता हूँ मूवी के स्टोरी के बारे में कि आखिरकार इस टीजर से अगर आप लोगों ने नहीं समझा कि आखिरकार इस टीजर में क्या रहने वाला है, मतलब इस मूवी में क्या रहने वाला है, तो चलो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो देखो मैं पहले बोल देता हूँ कि स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, मैं ऊपर से बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है एक्चुअल में इस मूवी में। तो आप लोगों ने इलीगल इमिग्रेशन के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं समझ रहे इलीगल इमिग्रेशन क्या है तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मतलब इलीगल तरीकों से दूसरों देश में जाना, जैसे कि आप लोगों ने काफी सारे मूवीज वगैरह में देखे होंगे और रियल में भी होता है कि मतलब विदाउट वीजा पासपोर्ट आप लोग मतलब इलीगल तरीके से जा रहे हो कहीं समुद्र पार करके या फिर कुछ और भी तरीके से, मतलब जिस तरीके से नहीं जाना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट मना करती है, उससे आप लोग कंट्री बदल मतलब कंट्री पार कर रहे हो, जैसे इंडिया से लंदन जा रहे हो या फिर कनाडा जा रहे हो इलीगल तरीके से,
तो उसे कहते हैं इलीगल इमिग्रेशन, जो कि पूरी की पूरी इलीगल होती है, जो कि गवर्नमेंट मना करती है उस चीज को। तो इस मूवी का भी स्टोरी कुछ इसी तरह के रहने वाला है। मूवी में 5 दोस्त को दिखाया गया है जो कि जाना चाहते हैं लंदन, और उनके साथ काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से वो नहीं जा पाते। तो वो एक सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन जो कि इलीगल इमिग्रेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब वो भी इलीगल तरीके से जाने का कोशिश करते हैं और वहां पे चले भी जाते हैं, बट जाने के बाद उनको वापस आना पड़ता है किसी वजह से, बट आ नहीं पाते। तो भाई सच में कुछ इसी तरह का स्टोरी रहने वाला है इस मूवी का। लिटरली आप लोग में भी रो भी दो, मतलब सच में मतलब जो कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशन से भरा पड़ा रहने वाला है ये मूवी। अभी आप लोगों ने जितनी भी सारी मूवीज देखी, जैसे KGF रिलीज होने के बाद जितनी भी सारी मूवीज आ रही है, वो सभी के सभी मास मसाला वाली फिल्में, जो कि मतलब हमारा जो माइंड है वो देख के थक चुका है इस फिल्म की मूवी को। तो ये जो वो भाई आप लोग को माइंड का रिलैक्सेशन करने वाले, मतलब इतनी मतलब जो शांति पीसफुल मूवी रहने वाली है, ठीक है, कोई मारदार उतना नहीं रहने वाला, एकदम नॉर्मल मूवी रहने वाली है जिसको आप लोग फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। मतलब कि आप खुद देखो कि अभी जितनी भी सारी मूवीज आई जाएगी, लाइक पठान के आप लोग देख लो, जवान को ही आप लोग देख लो, टाइगर 3 आने वाली उसको भी आप लोग देख लो, KGF चैप्टर 2, इधर काफी सारे साउथ की भी फिल्में हैं जो कि सभी कुछ मास मसाला वाली फिल्में आ रही थी, बट किस तरह की मूवी का काफी ज्यादा मतलब वेट हो रहा था समझ लो आप लोग, ठीक है, मतलब जो बंदे थक से गए थे, मतलब उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था भाई क्या ये चीज, मतलब एक्शन वगैरह। तो हर अगर डेली एक चीज़ बंदे को मिलता है ना, तो उस चीज़ से परेशान हो जाता है। तो इसके लिए राजकुमार हिरानी सर आए हैं, जो कि दिसंबर में बताया जा रहा है इस मूवी को रिलीज करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ड्रॉप वन में इसका कहीं भी नाम नहीं लिया गया कि कब मूवी को रिलीज करा जाएगा या फिर मूवी का ट्रेलर कब रिलीज करा जाएगा। बस ये बताया गया कि 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस के टाइम पे मूवी रिलीज होने वाली है। तो ऐसे एक्सपेक्टेड डेट तो बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है अभी, लेकिन वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा गया, बट 95% का चांस यही है कि 22 दिसंबर को इस मूवी को रिलीज करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये सलार मूवी के साथ क्लैश करने वाली है, जो कि सलार मूवी 22 दिसंबर को रिलीज करा जाने वाला है। तो दोनों मूवी का क्लैश होने वाला है, तो भाई देखने में ये काफी ज्यादा मजा आएगा कि दोनों मूवी में कौन मतलब जीता, मतलब जीतने का बात नहीं था, मतलब कौन ज्यादा कलेक्शन करती है, किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर से बताना कि किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है और दोनों मूवीज में आप लोग कौन से जाके देखने वाले हो, आइदर सलार या फिर डंकी। अब देखो वीडियो के लास्ट में ना मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि राजकुमार हिरानी सर का जो मतलब द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, वो सच में भाई नेक्स्ट लेवल की है। और मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तुम लोग खुद देखो, ठीक है, लाइक आप लोगों ने जितनी भी सारी इनकी मूवीज देखी, मुझे तो नहीं लगता वो कि इनकी कोई भी मूवी आपने मिस करा होगा। और अगर कोई मूवी नहीं देखी इनकी, तो भाई जरूर से जाके देखना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो, मजा आना है देखने में, तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि इनकी जो वेब प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा लाजवाब है, मतलब इतना बढ़िया कि पूछो मत, ठीक है। और कुछ इसी के साथ आए हैं वो डंकी मूवी को लेकर, तो आप लोग सपोर्ट दिखाना मुझे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि इन दोनों मूवीज में आप लोग कौन सा जाके देखने वाले हो। दोनों मूवीज की बात करें तो एक सलार और एक डंकी, क्योंकि सलार भी बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को ही रिलीज करा जाएगा और यहाँ की डंकी की भी एक्सपेक्टेड जो है वो 22 दिसंबर को ही रिलीज करा जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।